हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। डेयर इन्वेस्टर, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। काफी टाइम से हम लोगों ने दोस्तों इसके ऊपर चर्चा नहीं किया था और काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। चार दिन हो चुके हैं आज तो, मैं गया हुआ था दोस्तों, आउट ऑफ स्टेशन था, यहाँ पे नहीं रह रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। फिलहाल मैं आ चुका हूँ तो मैं आपको वापस से अब डेली अपडेट कर पाऊंगा। तो आज अभी हम लोग सबसे पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को समझने वाले हैं, इसकी कंडीशन पे बात करेंगे। काफी सारी न्यूज के चलते ये चर्चा में है, उसके बारे में भी समझेंगे। क्या नए लोग अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं या ना जाएं, सारा चीज आपको पता लगने वाला है इस वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पर नए हो चाहे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज और डिविडेंड अनाउंसमेंट क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करिए। बहुत सारी चीजें आपको वहां पर भी जानने को मिलेगी और आप यहाँ पे भी ज्वाइन करके हमको सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, अभी दो दिन पहले काफी बुरी तरीके से क्रैश हुआ था और आज जो है ये मतलब मंडे को काफी गंदा तरीके से गिरा था। आज जो है 129.70 रुपए पे ट्रेड कर रहा है 4.72% की मूवमेंट के साथ, मतलब आज ग्रीन में रहा है। पर आप देखिए कल जो ये गिरा था 135 से, ये आया था देखिए 127 पे, काफी तेजी से गिरा था। तो इसके ऊपर कुछ चर्चाएं चल रही है दोस्तों, जिनको हम लोग समझेंगे। जैसे कि आपको याद ही होगा, बहुत पहले 2021 में फरवरी के टाइम पे इसके जो प्रोमोटर्स हैं समीर गहलोत, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन लगा था, ठीक है, दिल्ली कोर्ट के, मतलब दिल्ली में भी और मुंबई में भी इसके कनेक्शन बताए गए थे। तो जिसके चलते ये तब से ये जो शेयर है उसी के चलते जूझ रहा है, मतलब बार बार आपको देखने को मिलेगा इसमें कुछ भी जो ग्रोथ होता था वो पूरी तरीके से गिरते गिरते काफी डाउन चला गया था। एक टाइम पे तो 91 रुपीज तक चला गया था। तो ये जैसे कि हम लोगों के जो पुराने टारगेट थे वो सब तो हमको 3 से 8 रुपए तक जाने के बाद से ये गिरता ही रहा है। और अगर आप बहुत पुराने रिकॉर्ड्स इसके देखेंगे तो ये मतलब उभर भी नहीं पाया उस लेवल तक जिस लेवल तक इसको उभर जाना चाहिए था। कोविड से पहले जिस लेवल पे था वहां तक ये जा ही नहीं पाया और गिरता चला गया। और क्योंकि अब जब बैड न्यूज आती रहेगी तो कहां से कोई शेयर संभल पाएगा। और उसके चलते दोस्तों अभी जो लेटेस्ट की कहानी है, जैसे कि इसमें देखिए अभी ये आपको एकदम लेटेस्ट वाला था, ये दो दिन पहले का जो था जो 10% गिरा था, और अभी जो लेटेस्ट में आज की बात है वहां पे भी दोस्तों क्योंकि इनका जो बात हुई थी, फिर ईडी ने ये जो चैलेंज है मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया है और इसको आगे और वो लेके जाएंगे, जरूर से लेके जाएंगे। और उसी के चलते दोस्तों हम लोगों को इसमें गिरावट देखने को बार बार मिल रही है। मेन चक्कर दोस्तों देखिए, कंपनी के जो कंडीशन है काफी डाउन आई है। अब इसके हम अगर मार्केट कैपिटल की बात कर लें तो करंटली 6,114 करोड़ के अराउंड चल रहा है, जो कि स्टिल बहुत बड़ा नंबर है। बट आप इसका लगातार देखेंगे 12 महीने की कंडीशन खराब दिखने को मिल रही है। क्वार्टर वाइज इसके रिजल्ट वीक आए थे। अगर ये दोस्तों जो ये एलिगेशन, मतलब अभी तक जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक दोस्तों एलिगेशन ही रहता है, तो क्योंकि ईडी चैलेंज कर रही है तो जब मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर बंदा कर रहा है, अपने जो एक तरीके से जो मैनेज करते हैं वो खुद ही हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है जिसको एक तरीके से हम लोग ठुकरा नहीं सकते। अगर कोई नॉर्मल बंदा करता तो इतना कुछ बात नहीं रहती, पर ईडी ही कर रही है तो उस तरीके से काफी मैटर करता है ये केस। और आगे चल के अगर ये कंपनी प्रूफ नहीं कर पाती है तो इसकी कंडीशन जो है बहुत खराब हो सकती है। तो उस चक्कर में क्या हम लोगों को उससे ज्यादा इफेक्ट होगा? देखिए दोस्तों, कंपनी छोटी सी है नहीं कि अचानक से नहीं भाई बंद ही कर दो कंपनी। बहुत सी चीजें चेंज होंगी इसमें, जो लोग पाए जाएंगे उनको हटाया जाएगा, जो फिर नई कोई पोजीशन मिलेगी किसी को उस तरीके से। पर कंपनी को इतना जो पर जब तक यही लोग हैं जो अभी जिन पे चार्जेस हैं मतलब एलिगेशंस लगे हैं, तब तक इस कंपनी को इफेक्ट होता रहेगा और वो हम लोगों को देखने को भी मिलता है। जब थोड़ा कुछ हो जाता है कि नहीं अभी ठीक हो जाएगा तो ये थोड़ा मूव कर जाता है आप, वरना वापस से ये गिर के डाउन ही आता है।
तो फिलहाल ऐसे शेयर में जिसमें मतलब रिस्क ही रिस्क है कि कुछ क्लियर तो है नहीं कि क्या होगा किस चक्कर में, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है दोस्तों। इसीलिए इसमें अभी जो नहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो थोड़ा इसको अवॉइड ही करें। अगर फ्रेश एंट्री लेने के जा रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करें। अगर ये न्यूज़ वाली जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो जाएं, जो ये एलिगेशंस हैं वो अगर क्लियर हो जाते हैं तो हम लोग इसको, या तो वो मामला काफ़ी वीक पड़ जाता है कि इतना कुछ इफेक्ट नहीं है, तब हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वरना अभी जैसे कि देखिए दोस्तों, इसमें रिस्क काफ़ी रहेगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इसकी जब कंडीशन समझाया था, जैसे कि इसकी कंडीशन को देखा जाए तो अच्छी बुक वैल्यू होल्ड करता है, फेस वैल्यू भी 2 है कंपनी का, पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है। तो इस वजह से ही दोस्तों, जो ये प्रमोटर्स का जब पार्ट ही बहुत ज़्यादा कम है, तो जब तक इनकार रहेगा, क्योंकि जब क्लियर हो जाएगा, एलिगेशन प्रूफ हो जाएंगे, तब ये चीज़ें कुछ बदलेंगी, कुछ चार्जेस लगेगा कोर्ट की तरफ से, फिर वो लोग चेंज होंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तब तक दोस्तों हमको जो दिख रहा है उसी लेवल पे ही हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो फॉरेन के इन्वेस्टर जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, यहाँ तक कि प्रमोटर से भी, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की 9.81 है और 9.59 जो है वो प्रमोटर्स की है। तो ठीक ठाक होल्डिंग्स मतलब रहती है जो ये तीनों पार्ट में है, बट स्टिल आप देखेंगे तो 50% जो है पब्लिक के पास भी है। तो इस हिसाब से जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो जाहिर सी बात है, अब इतनी बड़ी मात्रा में जब पब्लिक के पास है, फॉरेन के लोग होल्ड कर रखे हैं, डोमेस्टिक पीपल भी होल्ड कर रखे हैं, तो फिल्म्स होल्ड कर रखी हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा लॉन्ग रन में। कंपनी अगर चीज़ें सुधर जाती हैं तो कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ जब तक इन पे ये चीज़ें चलती रहेंगी, जाहिर सी बात है हर कोई पैनिक में बाई सेल करता रहेगा, तो कि अरे नहीं अब क्लियर हो जाएगा तो बाई कर लिया, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लोअर लेवल पे अभी भी शेयर ट्रेड कर रहा है, कुछ इतना हायर नहीं गया है। अगर इसके पीछे पुराने लो को देखें हम लोग तो 92 रुपीज़ के हिसाब से ये 135 अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है 129, कुछ इतना ज़्यादा दूर का लेवल नहीं है। जैसे कि इसके आप पुराने लेवल्स देखेंगे 258 पे था, तो उस हिसाब से काफ़ी डाउन चल रहा है अभी, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए कि हाँ फ्यूचर में जा सकता है ऊपर, पर हाँ इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि इस पे जब एलिगेशंस लग रखे हैं तो वो प्रूफ होने पे काफ़ी दिक्कत दे सकते हैं। जो लोग बाई कर रखे हैं मैं उनको कहूँगा कि होल्ड करके चलो, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से इन्वेस्टमेंट आ गई, कुछ चीज़ें बेटर हो गई, नहीं प्रूफ हो पाई, तो शेयर रिकवरी भी कर सकता है। तो उनके लिए है कि 155 का टारगेट, 181 का टारगेट। फ्रेश बाई के लिए अगर जो जाना भी चाहते हैं रिस्क लेके, वो करंटली 125 रुपीज़ के अराउंड बाई कर सकते हैं। शेयर को जो सपोर्ट मिल रहा है वो 110 रुपये 25 पैसे के अराउंड है, और उसी के अराउंड आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए यही अपडेट हो जाएगा। थोड़ा इसमें सावधानी से निवेश करने की ज़रूरत है, और जो भी खबर इस शेयर से रिलेटेड निकल के आती है उसको ध्यान से रीड करने की भी ज़रूरत है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इन न्यूज़ को आप और मतलब सर्च करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, तो आपको और भी इसी रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएगी, जिससे आप और अपडेट हो पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक साथ नेक्स्ट वीडियो में।